आपको यहाँ से आपको हिल स्टेशन आपको कहाँ जाना है, यहाँ से आपको बस पकड़ के जाना पड़ेगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरा नया ब्लॉग पर फिर से स्वागत है। तो गाइस, आज मैं एक और एक नया ब्लॉग लेके आया हूँ। आज की ब्लॉग कुछ अलग होगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ दीमापुर का ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी किस तरह कहाँ कहाँ पर है। तो ठीक है, आप लोग अच्छा लगने से प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और जो कोई चैनल पर नया है तो प्लीज़ वो लोग सब्सक्राइब कर देना, और साथ में मेरा इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना। ठीक है, चलिए आज की ब्लॉग हम लोग शुरू करते। तो गाइस, मैं अभी फ़िलहाल दीमापुर स्टेशन पर हूँ आपका। पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे। देखिए दीमापुर स्टेशन, आपका दीमापुर स्टेशन में कोई भी इधर पे आने से कोई भी मतलब आने जाने के लिए कुछ भी तकलीफ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर आपका हर टाइम टैक्सी, ऑटो, बस अवेलेबल हमेशा मिलता है, और सब कुछ नज़दीक में ही है। चलिए दिखाते हैं अच्छे से आप लोगों को। तो ये हो गया आपका दीमापुर स्टेशन। देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में, और यहाँ पर आने से आप लोगों को टैक्सी अवेलेबल हमेशा मिलेगा। देखिए सामने तरफ दिखाई दे रहा है, कुहिमा जाने के लिए और आप लोगों को दूसरा कोई भी जगह जाने के लिए टैक्सी अवेलेबल मिल जाएगा। और सामने में NST भी है, उसके बाद में हम NST में जाएंगे, उसके बाद में हम लोग एयरपोर्ट भी जाएंगे। एयरपोर्ट आपका कितना दूर होगा वो भी दिखाएंगे। ठीक है, आप लोग एंड तक बने रहिए। और ऑटो होने से आपको टाउन एरिया कोई भी जगह जाने से, आपको टाउन का एरिया का अंदर में होने से आपको ऑटो से अवेलेबल मिल जाएगा, ऑटो से जा सकते हैं। चलिए गाइस, अभी हम लोग अभी NST के अंदर में जाएंगे। तो गाइस, ये हो गया आपका दीमापुर का NST, नागालैंड स्टेट ट्रांसपोर्ट। ये आपका सामने में स्टेशन जाने वाला रास्ता। आपको यहाँ से आपको हिल स्टेशन आपको कहाँ जाना है, यहाँ से आपको बस पकड़ के जाना पड़ेगा। ये आपका नागालैंड का गवर्नमेंट का बस स्टेशन है। ये सामने आपका टिकट काउंटर भी है, यहाँ से आपका टिकट लेके आगे कहाँ जाना है। ये हो गया कि टिकट काउंटर, देखिए टिकट ले रहे हैं वो लोग। तो गाइस, अभी हम लोग और एक आपका ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी जो एयरपोर्ट होता है वहाँ पे जाएंगे अभी फिलहाल। ये आपका टाउन से आपका 7 से 8 किलोमीटर होगा, 3rd mile। अभी वहाँ का वहाँ में अभी फिलहाल जाने वाला हूँ। ठीक है, आप लोग एंड तक बने रहिए। तो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपका ये बस काउंटर, बस स्टैंड है, और 5 मिनट आपका टैक्सी वगैरह भी मिल जाएगा। देखिए ये आपका गोलाघाट रोड है, और इसका ऑपोजिट में आपका स्टेशन भी है। देखिए वो हो गया स्टेशन। तो अभी हम लोग अभी फिलहाल जाएंगे एयरपोर्ट। तो गाइस, ये हो गया आपका एयरपोर्ट जाने के लिए रास्ता। 4 लाइन से आपका लेफ्ट साइड में मोड़ना पड़ेगा। ये हो गया एयरपोर्ट जाने वाला रास्ता, और ये हो गया आपका मेन एंट्री वाला गेट। यहाँ पर आपका हमेशा सिक्योरिटी रहता है। और चलिए आगे चलते, उसका थोड़ा और अंदर जाना पड़ेगा।
लोग अभी फिलहाल अंदर में आ चुका हूँ। तो गाइस ये हो गया आपका एयरपोर्ट का पार्किंग एरिया, देखिए बहुत खूबसूरत पार्किंग एरिया है। देखिए बीच बीच में आपका बड़ा बड़ा पेड़ भी है और कुछ इस तरह बैठ के रेस करने के लिए इसे बना के रखा है। और सामने तरफ आपका घुसने के लिए एंट्री आने के लिए ये हो गया आपका मेन एयरपोर्ट का अंदर में जाने के लिए यहाँ से जाना पड़ेगा आपको। गाइस ये आपका धुआंपुर टाउन से आपका एयरपोर्ट आने के लिए आपको कम से कम डिस्टेंस होगा 7 से 8 किलोमीटर डिस्टेंस होगा। तो यहाँ से आपको ऑटो पकड़ के जाने के लिए आपको भाड़ा कम से कम 100 से 150 कुछ इस तरह ले लेगा वो लोग। चलिए थोड़ा आगे का थोड़ा सीन दिखा देता हूँ आप लोगों को। का दोनों तरफ छोटा छोटा कैंटिंग भी है, सामने इस तरफ भी है। ये सामने तरफ आप देख सकते हैं फ्लाइट का टाइम टेबल आपका, कौन सा फ्लाइट कौन सा टाइम में जाने वाला है और आने वाले का, दोनों का ही टाइम इधर में है। यहाँ से आपका एंट्री करना पड़ेगा अंदर में और उस तरफ से आपको निकलना पड़ेगा। ये हो गया एक साइड वाला रास्ता। देखिए बाहर का सीन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो गाइस आज का ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बोलिए। अच्छा लगने से प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जो कोई नया है चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसा ही और आप लोगों को अच्छा अच्छा ब्लॉग मिलते रहेगा। ठीक है, तो आज के ब्लॉग हम यहीं पर एंड करेंगे और नेक्स्ट ब्लॉग पे फिर मिलेंगे। अभी के लिए फिलहाल बाय बाय।